राजस्थान प्री आरएस सीआईटी कोर्स 2021-22 लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एंड गवर्नमेंट आर्मी। दोस्तों आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी की बात करें तो राजस्थान में प्री आरएस सीआईटी जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो कोर्स करवाया जाता है उससे रिलेटेड बहुत बड़ी खुशखबरी है। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि आप फ्री में आरएस सीआईटी, आरएस सीएफए, आरएस सीईएफए कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके साथ साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप राजस्थान के किस जिले से हमारा वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आपकी कितनी रहनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या रहनी चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है। कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं कि आपके फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। कंप्लीट जानकारी आपको सुनने मिलने वाली है। हो सकता है थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए लेकिन आपको जानकारी एकदम सही और सटीक मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलता हूं। सबसे पहले दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राजस्थान सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपकी परी आर एस सी आई टी कोर्स की है उसकी जो नाम है वो इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौंदर संवर्धन योजना इसका नाम है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साफ साफ बताया गया है बालिकाओं यानी महिलाओं बालिकाओं के निःशुल्क, यानी मैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये केवल महिलाओं के लिए है, यानी महिला और लड़कियों के लिए फ्री में आर सी टी कोर्स राजस्थान सरकार के द्वारा करवाया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं महिलाओं बालिकाओं को निःशुल्क आर एस सी आई टी, आर एस सी एफ ए, आर एस सी ए ई एफ प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारे राज्य मंत्री है श्रीमती ममता भूपेश, यहाँ पर ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी, यहाँ पर सब कंप्लीट जानकारी बताया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहाँ पर जाकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर जब जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंटर अप्लीकेट मोबाइल नंबर, अप्लीकेशन मोबाइल नंबर, इंटर द कोड। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं, मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चा डालना और सेंड ओटीपी आते ही आप इस पर क्लिक करेंगे। तो चलो दोस्तों मैं प्रोसेसिंग कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जैसे आप अपने मोबाइल नंबर इंटर करके ओटीपी यहाँ पर डालेंगे तो आप इस साइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको यहाँ पर बता दिया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि और ऑनलाइन आवेदन समाप्त होने की तिथि, यानी मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं जो आपकी अंतिम तिथि है वो 10 जनवरी रखी गई है, यानी 10 जनवरी 2022 तक आप इसमें फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंप्लीट जानकारी आपको दिया गया है, यानी पाठ्यक्रम का नाम दिया गया है, यहाँ पर योग्यता, आयु, प्रशिक्षण की अवधि। अगर आप आर एस सी आई टी कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है योग्यता है उसमें केवल आप 10वीं पास होने चाहिए। अगर आयु की बात करें तो आप 16 साल से लेकर 40 साल के बीच आप आइए आर सी आई टी कोर्स कर सकते हैं। प्रशिक्षण अवधि है वो आपकी 132 घंटे की आपकी यहाँ पर क्लास रहने वाली है। अगर आप आर एस सी एफ ये करना चाहते हैं जो जी एस टी टेली इससे रिलेटेड होता है उसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो मिनिमम 12वीं पास होनी चाहिए। एज इसमें आपकी सेम रखी गई है 16 साल से 40 साल के बीच और केवल आपका जो अवधि है जो समय है वो 100 घंटे का रहने वाला है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आर एस सी एस ई एफ अगर आप करना चाहते हैं जिसमें स्पोकन इंग्लिश एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रशिक्षण ये सब इसमें आता है तो इसमें लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 12वीं पास रहनी चाहिए और आपकी एज लिमिट है वो 16 से 45 साल रहनी चाहिए और 130 घंटे का यहाँ पर आपका जो अवधि समय रहने वाला है। अगर आवश्यक दस्तावेज की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होने चाहिए, आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, अपनी श्रेणी वर्ग यानी चाहे आप एस सी एस टी ओ बी सी डब्ल्यू किस कैटेगरी से आते हैं वो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं योजनागत पूर्व में लाभ ले चुकी अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र नहीं है, यानी अगर आपने पहले इस योजना का लाभ लिया तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं अब आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आ रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप पहुंच जाएंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं नीचे आना है, यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे आपको सही एवं सटीक जानकारी मिल सके। अगर आपके काम की नहीं है तो आपके घर में आपके सिस्टर के लिए और मेरी बहनों के लिए सबके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है तो आप सभी के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। अगर आर सी टी कोर्स आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको इस पर क्लिक करना होगा जिसमें आपको मैंने पहले बता दिया एजुकेशन 10वीं पास 16 से 40 साल के बीच होने चाहिए, 132 घंटे आपका रहने वाला है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आर एस सी एफ ए यानी राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर आप करना चाहते हैं जिसमें टेली वगैरह सब आती है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे आपको देख पा रहे हैं राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी आप आर एस सी एस ई एफ कोर्स करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल यानी ऑनलाइन आवेदन करने के फॉर्म पर पहुंच जाएंगे, यहाँ पर सब वगैरह दिया गया है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आर सी टी कोर्स करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं इसके अगले वेबसाइट पर पहुंच जाऊँगा। यू आर अप्लाई फॉर यहाँ पर इसे आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है यू आर अप्लाइंग फॉर आर सी टी कोर्स, मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। जैसे आप फिर ओके करेंगे तो आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको बताया गया।
तो दोस्तों मेरे साथियों, आप इस तरह से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप इस पर प्रोसीड करेंगे तो आपको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो आपकी ऑनलाइन आवेदन की है वो 10 या मैं बता दूं 10 दिसंबर या 12 दिसंबर से आपके जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और 10 तारीख इसमें आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, आपके पास जो सेंटर है जो आरसीटी कोर्स करवाते हैं उन सेंटरों पर जाकर आपको ये आवेदन करना होगा। आप खुद इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये प्रशिक्षण केंद्र सेंटरों के द्वारा करवाया जाता है। वहाँ पर आप जाइए, अपनी आयु सीमा यानी आप अपना सर्टिफिकेट ले जाइए, एजुकेशन दसवीं की मार्कशीट फोटो वगैरह सब लेकर जाइए, वहाँ आप इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की लेटेस्ट अपडेट। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, इसमें जो आपकी लास्ट डेट है वो 10 जनवरी रहने वाली है। तो जल्दी से जल्दी अपने पास के नजदीकी सेंटर पर जाइए और इसका ऑनलाइन आवेदन करें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।